नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सद्दाम और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। आज मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा कि एमएस पावर पॉइंट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ बने रहिए। आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए ज्यादा लेट करते ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए स्टार्ट मेन्यू में जाइए। स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद आपको दिखेगा यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नाम से एक फोल्डर दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरीके से वो खुल जाएगा। खुलने के बाद आपको देखिए नीचे से तीसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट लिखा हुआ दिख रहा है, इसको क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे ओपन है। इस तरीके से आपको कुछ दिखने को मिलेगा। तो अभी इसको क्या करना है, हमको ब्लैंक पेज देना है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपल साइड इसमें आने के बाद राइट क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन खुल कर आएगा, उसमें आपको डिलीट स्लाइड नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग यहाँ न्यू स्लाइड लेंगे और यहाँ पे ब्लैंक लेंगे इस तरीके से। तो हम लोग अभी खुद का प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप लोग को प्रेजेंटेशन सिखाने के लिए हम यहाँ पे तीन स्लाइड लेंगे। ठीक है, एक तीन हो गया। अब हम लोग किस तरीके से बनाते हैं, बस एक तरीका बता रहा हूँ, आप जितना लंबा चाहे उसको आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले वाले को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ देखिए आपको दिखेगा टेक्स्ट टूल, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए, राइट बटन को क्लिक किए हुए, तो इस तरीके से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है जो आपको लिखना हो, मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ आपको। वेलकम, ठीक है, वेलकम। इसके बाद फिर से हम लोग टेक्स्ट टूल को लेंगे और नीचे लिख देंगे टू, ठीक है, वेलकम टू। इसके बाद नीचे हम लोग लिख देंगे इंडिया। ठीक है, मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, आप जो चाहे वो बना सकते हैं, इंडिया इस तरीके से। अब दूसरे नंबर पे हम लोग जाएंगे तो इसमें हम लोग टेक्स्ट टूल को लेंगे और फिर यहाँ से हम लोग टाइप करेंगे, यहाँ लिख देंगे हम लोग टॉप थ्री सिटी, ठीक है, शहर लिख देते हैं। ठीक है, शहर शहरों का नाम इस तरीके से। इसके बाद पहला में हम फिर से लेंगे टेक्स्ट टूल को, सिंपल से उसी तरीके से होगा। पहला लिख देते हैं हम लोग मुंबई। दूसरे नंबर फिर से हम लोग लेंगे, दूसरे नंबर इस पे हम लोग लगा देते हैं इसको। ठीक है, अब इस पे हम लोग टाइप करते हैं न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली। तीसरा नंबर में हम लोग लिख देते हैं रायपुर। ठीक है, रायपुर इस तरीके से। और इसको हम लोग फिर से इस तरीके से सुंदर सा दिखाने के लिए हम लोग इसको ले लेंगे फर्स्ट पे और हम लोग इसको इस तरीके से बड़ा कर लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग इसको बड़ा करेंगे। बड़ा करने के बाद इस तरीके से, सॉरी ओनली एक टेक्स्ट बड़ा हो रहा है, हमको सारे टेक्स्ट को बड़ा करना है। ठीक है, तो सारे टेक्स्ट को बड़ा करने के लिए सिंपल सा सबको सिलेक्ट करके इसके बाद इस तरीके से 44 पे देते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग सिंपल सा बोल्ड कर देते हैं। इसका कोई फॉन्ट अलग सा फॉन्ट दे देते हैं इस तरीके से। फॉन्ट को देने के बाद थोड़ा स्क्रॉल करके इस तरीके से बड़ा कर देते हैं इस तरीके से, और इसको एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पर। इस तरीके से हो गया। इसके बाद हम लोग मुंबई को भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इस तरीके से, इसको भी बोल्ड कर देते हैं, इसको भी बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। सॉरी, पूरा को सिलेक्ट करना था इस तरीके से, टोटल को बोल्ड करना इस तरीके से। पूरे को सिलेक्ट कीजिए और बड़ा कर लीजिए, बड़ा करने के बाद बोल्ड कर लीजिए इस तरीके से, यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, आप जो बनाएंगे खूबसूरत बना करके इस तरीके से आप देखिए, जो भी बनाना है आपको इस तरीके से। हमने एक प्रेजेंटेशन अभी नॉर्मल बनाया है, लास्ट में हम लोग लिख देंगे थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग। ठीक है, इस तरीके से थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको भी हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, सॉरी सबको बड़ा करना
इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा इसको रोटेट कर देते हैं इस तरीके से, इसको बोल्ड कर देते हैं। चाहे आप चाहे तो कुछ फॉन्ट अलग भी दे सकते हैं, मैं इसको दे देता हूँ इस तरीके से, ये हो गया। अब इसको एडजस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड चेंज हो जाए, ठीक है, इसका बैकग्राउंड को हम लोग अगर चेंज करना चाहें तो आराम से हम लोग इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इस टू को भी हम लोग बड़ा कर लेते हैं, बोल्ड कर लेते हैं इस तरीके से, इंडिया को भी बड़ा करते हैं, ठीक है, इस तरीके से इंडिया को भी बड़ा कर लिए। बड़ा करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल सा इसको एडजस्ट करना है, ठीक है, इसको इस तरीके से एडजस्ट करना है, इसको वेलकम टू इंडिया, वेलकम को सेंटर पे इस तरीके से रख दिए। रखने के बाद आपको करना क्या है, इस पर एक लाइन दे देते हैं हम लोग नीचे पे, तो उसको देने के लिए आपको क्या करना है, इंसर्ट पे, इंसर्ट पे आने के बाद शेप में जाने के बाद लाइनिंग टूल, इसको लीजिए और इस तरीके से आप ड्रैग कर दीजिए, ठीक है, इसको इस तरीके से ड्रैग कर दीजिए। ड्रैग करने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरीके से इसको ऊपर कर दीजिए, सीधा हो गया लगभग, अभी सीधा हो गया, ठीक है। सीधा होने के बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे रख दीजिए, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरीके से, छोटा कर ले अपने हिसाब से, इसको एडजस्ट कर सकते हैं आप। मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से। और इसको आप चाहें तो आप इसे आप मोटा भी कर सकते हैं इस तरीके से, मोटा कर दिए। अब करने के बाद आप देखिए कुछ अच्छा दिखने लगा, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका हमको बैकग्राउंड चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डिजाइन पे आना है, बैकग्राउंड, अब देखिए लास्ट में देखिए बैकग्राउंड लिया है, इस पर आपको क्लिक करना है, फॉर्मेट सबसे नीचे आइए, किस पे आना है, बैकग्राउंड स्टाइल पे आना है, इसके बाद देखिए फॉर्मेट बैकग्राउंड, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पिक्चर और टेक्सचर फिल पे जाना है और आपको जो भी अच्छा लगे उसको आप ले लीजिए इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे अभी इसको ले लेता हूँ, ठीक है, इसके बाद इस तरीके से कर देता हूँ। तो आप चाहे तो आल पे भी यहाँ से कर सकते थे, लेकिन हमने आल पे नहीं किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको ले लेता हूँ, अप्लाई फॉर आल पे कर देते हैं और क्लोज करते हैं इस तरीके से, अब अच्छा दिखने लगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इमेज लगाएं, तो किस तरीके से आप इमेज लगाएंगे, इसके लिए इमेज लगाने के लिए आपको होम पे आना है। होम पे आने के बाद इंसर्ट पे आने के बाद देखिए पिक्चर दिख रहा है, पिक्चर पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से खुलेगा और यहाँ आने के बाद एक कोई भी सा इमेज आप ले लीजिए, मैं इसको ले लेता हूँ, ठीक है। इसको लेने के बाद इसको इस तरीके से ड्रैग करके छोटा कर दीजिए, छोटा करने के बाद थोड़ा इसको और छोटा कर लेते हैं इस तरीके से। इसके बाद आप चाहें तो इसका कुछ डायरेक्शन वगैरह चेंज कर सकते हैं, ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगा, तो मैं इसको ही लेता हूँ, बहुत टाइम से बना रहा हूँ तो मैं इसी को लेता हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से दिखने लगा। इसके बाद अगर आप इसमें भी चाहते हैं कि इमेज लगा दें, तो सेम उसी तरीके से इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर पे आइए, आने के बाद आप यहाँ पे इसको इमेज को लीजिए और इस इमेज को इस तरीके से करके क्रॉप कर लीजिए, ठीक है, नीचे से पकड़ करके ड्रैग करना है आपको इस तरीके से। अब यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो इमेज लगा सकते हैं और यहाँ से आप चाहें तो कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से ये डबल हो जाएगा इस तरीके से। अब इसका हम लोग चाहें तो इसका डिजाइन हम लोग चेंज कर सकते हैं, आप जिस तरीके से चाहे, फॉर्मेट में आने के बाद इसको पकड़िए, फॉर्मेट में आने के बाद नीचे इस पर देखिए डाउन एरो लिखा है, उस पर आप क्लिक कीजिए, तो इसको इस तरीके से कर दीजिए, इसको भी इसी तरीके से करना है, जो आपको पसंद हो, मेरे को यही पसंद है इसलिए मैं इसको कर देता हूँ, ठीक है। अब इसमें मान लीजिए इस टेक्स्ट को अगर आपको एनिमेशन करना है तो आपको किस तरीके से करना है, उसके लिए आपको इस टेक्स्ट में आने के बाद एनिमेशन आपके सामने है, देखिए कस्टम एनिमेशन खुलेगा, कस्टम एनिमेशन पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। इसके बाद क्लिक करने के बाद एड इफेक्ट पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको देखिए मोरे पैटर्न है, बहुत सारा आपको पैटर्न मिलेगा और आपको मोरे इफेक्ट पे आना है और इस तरीके से आपको देखिए यहाँ देखने को मिलेगा। आप चाहे तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से टेक्स्ट मूव करेगा, इधर करेंगे तो जूम होगा इस तरीके से, इस पर करेंगे तो इस तरीके से होगा, देख लीजिए किस तरीके से हो रहा है, आपको जो पसंद है कर लीजिए। ये देखिए अच्छा लग रहा है, इस पर आपको क्लिक कर दीजिए। फिर इसमें अगर आपको वही कोई देना है इफेक्ट तो आप दे सकते हैं इसी तरीके से, ये देखिए
दे दीजिए। इसमें आपको देना है कुछ अलग इफेक्ट, तो आप इस पे आ जाइए, इस पे आप दे दीजिए, ये कुछ अच्छा दिखा, इस पे आप ओके कर दीजिए, ठीक है। अगर आप इस पे आते हैं तो इसमें भी आने के बाद आपको, आप इस इमेज पे भी आप लगा सकते हैं, ठीक है, आप जो भी लगाना चाहें इसमें आप लगा सकते हैं। ये देखिए, ये आप इमेज को जिस तरीके से आप रोटेट करके आना चाहे, ये देखिए, ओके कर दीजिए। आप इस मुंबई को भी अगर आप चाहते हैं तो कुछ अलग तरीके से देना, तो आप इसमें भी अलग तरीके से दे सकते हैं। ये देखिए, अच्छा लग रहा है। इसके बाद इसमें भी आप दे सकते हैं, तो मैं सारे को कुछ ना कुछ कर ही देता हूँ, ठीक है, कुछ ना कुछ कर ही देता हूँ, तभी अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से बस सिंपल सा तरीका है, बाकी कुछ नहीं करना है। आप इसी तरीके से आप बना सकते हैं। टोटल में आपको जो करना है आप उसमें आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद स्लाइड शो करके आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देखिए, इंड हो गया। आप फर्स्ट से कर लीजिए, इसके बाद प्ले कर दीजिए। ये देखिए, इस तरीके से देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपका स्लाइड शो दिखेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक दूसरे के पास जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।